नहीं से देखने देना, 1 मिनट मारूंगी नहीं मैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आप सभी लोगों का हमारे आज के ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और सुबह के बज चुके हैं 9, रायना जी पी रही हैं दूध और मेरी बन चुकी है चाय, और रियो शोर मचा रहा है कि उसको खोला जाए, पिंजरे से बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। ये बर्तन वापस रख के आना फिर। और दोस्तों हम रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना रहे ब्लॉग, और जो भी हमारी समझ में आता है जितना भी हम कर सकते हैं, और उसी प्रकार से आज भी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, सवाल जवाब होंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अब हम आपसे मिलेंगे दिन में, और जैसे जैसे कुछ भी एक्टिविटीज होगी, कुछ भी करेंगे, हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों देखो इस लड़की को, ये मुंह भर भर के दूध पी रही है। अच्छा लड्डू राधा के दर्शन नहीं कराए, अभी कराती। तो रे जी आज मेकअप नहीं कर रखा है, रोज मेकअप करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा अभी करेगी, ठीक है अभी अच्छी बात होती है, सुंदर लगना चाहिए रोज। अच्छा रोज सुंदर लगना चाहिए, चल ठीक है। भैया नहा धो करके बैठे हैं, दूध पी रहे हैं, और लेकिन अभी रायना जी इनको इनका मेकअप भी करेंगी, श्रृंगार करना पसंद होता है ना ठाकुर जी को। ये ड्रेस भी मैंने बनाई थी दोस्तों। राधे राधे बाबू, जो ये देखो दो दो लगे ही ना इसे, देखने देना 1 मिनट मारूंगी नहीं मैं। देखो और ये एक अंडा, एक ही तो है अंडा, एक और है बाकी के कहाँ है? दूसरी साइड। अरे तू हट 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 हट, अरे ऐसे अब कितना खा रहा है, उनको खिलाया होगा ना, एक ही दिख रहा है मेरे को तो, दूसरे और कहाँ है अंडे? उस इसमें बैठी है शायद, हट जाओ इससे, हट यहाँ से, देखने दे। हाँ एक और, ये रहे रहे, ये रहा, बस 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 अब चल, दो कैसे हैं आप सब लोग? यूं तो बज चुके हैं रात के 11:30, बट आज सैटरडे था तो आराम आराम से काम किया। लेट इवनिंग मुझे जाना था मार्केट में, मार्केट भी गई, वो भी सारे काम किए। और आज अगेन छत पे ना मोर आया था, तो हमने उसकी वीडियो बनाई थी, आपने देखी ली होगी। और नीलाक्षी जो कुशन बना रही थी, उसने ऑलमोस्ट उसकी जो डिजाइनिंग थी वो कम्प्लीट कर दी है, और बहुत ही बढ़िया वो डिजाइन लग रहा है। वो आप देखो पहले, उसके बाद बात करते हैं। I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart. Come to me. I want you. Come to me. Oh, baby. तो आई होप दोस्तों आपको भी वो डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब मे बी कल वो पूरा कंप्लीट कर देगी उसको, और वो कुशन बन के कैसा लगता है वो हम आपको दिखाएंगे कल के ब्लॉग में। तो वो घर जाने के बाद उसने आज बोला था कि वो कंप्लीट करके कर देगी, और उसने कर दिया, तो उसने मुझे भेज दी थी वीडियो बना के। तो मित्रों मुझे तो रायना जी के साथ थोड़े सवाल जवाब करने थे और कुछ डिस्कशन करना था। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सोचा हुआ था, और जिसका आंसर देने में बड़ा ही मजा आता, एक तरीके से वो होता ना ट्रूथ और डेयर इस टाइप का कुछ था। बट मैडम सोई है या सोने की एक्टिंग कर रही है मुझे नहीं पता, और
नीलाक्षी ने भी अपना कुशन कंप्लीट पूरे मैं डिजाइन कर दी। लड़कियां सोने के इरादे में ही नहीं है, सैटरडे है तो ना, सैटरडे सैटरडे कर दी रही कुड़ी। पहले तो मैं इसको खींच के उठाती हूँ दोस्तों, दिखाती हूँ आपको, रुको। इसका मतलब तो एक्टिंग कर रही है, मैंने खींचा ही नहीं अभी तक, खींचा ही मैंने खींचा ही नहीं, और कह रही है नहीं नहीं बिना खींचे नहीं। देख मैंने पम दिख रहे हैं तेरे, और छोड़ हट जा। चल अनिल जल्दी बता सवाल। सवाल तू, मैंने तेरे को पहले एक जिम्मेदारी दी थी, तू एक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई मैं जिंदगी में। बता क्या बताऊ, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तेरे को दी गई थी, दी थी कि नहीं दी थी ये बता। नहीं दी गई थी, मैंने बोला आप खुद ही सोच लो। मैंने तुझे बोला था कि नन्नी एक सवाल आज तू सोचेगी कि क्या सवाल पे डिस्कशन करेंगे। फोड़ दो। तो नन्नी सबसे पहला सवाल तो ये, आज की ताजा खबर, मुझे आज उड़ती उड़ती एक खबर आई है कि तुम लोग वहां जब खेल रहे हो तो बड़ी गालियां वालियां चल रही होती है। कहां? जब खेलते हो तुम पार्क में। नहीं, मेरे को आज आके एक आंटी ने कंप्लेन की है। कौन देगा? तुम सब लोग एक दूसरे को। हम तो खेलते ही नहीं उनके साथ। हम बॉयज का ग्रुप अलग रहता है, हम अलग खेलते हैं। अच्छा, तो हम नहीं होते उनके ग्रुप में, पार्क में नहीं होते। तूने किसी को गाली दी है आज तक? नहीं, वैसे तो किसी को नहीं दी। ऐसे वैसे तो किसी को नहीं दी, और ऐसे नहीं दी। तेरे आंखों से तो झूठ दिख रहा है। नहीं बता दे तूने किसको गाली दी। तो गाइस ये डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट एकदम। अब इसको एक गोल आकार में बनाना है और इसके अंदर भरनी है रुई। तो ये बिल्कुल आपके सोफ़ा के लिए डिज़ाइन वाला कुशन रेडी है। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का लगेगा, जो ऑलरेडी बना हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, तो ये पिंक कलर का कुशन है, ये पहले ही नीलाक्षी ने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, और इस तरीके का वो कुशन बनेगा कंप्लीट होने के बाद। साइड से ऐसे वो डिज़ाइन आ जाएगा। तो गाइस 12:30 बजने वाले हैं और अभी तक हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। नीलाक्षी ने भी अपना कुशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है, आप शेप कर देगी उसको, और बहुत ही अच्छा उसने बनाया। मैं बार बार बोल रही हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए। और राइना सो गई है, और आज मैं थोड़ा सा बुक पढ़ूंगी अपनी, इसीलिए हमने ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी, क्योंकि और भी चीज़ करनी होती है, कई बार पढ़ना भी ज़रूरी होता है। और जो आज चैप्टर में पढ़ रही हूँ वो है चेतन और अवचेतन स्थिति में अंतर, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में ही है। और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो मुझे लगेगा कि अच्छी आपके लिए भी यूज़फुल हो सकती है। और उसके बाद आज के ब्लॉग को हम एंड करेंगे। अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं होगी तो ये थोड़ा सा उलझाने वाला चैप्टर है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। बट इसमें हम कल एक जिन की बात कर रहे थे, और इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो एक जिन की तरह काम करता है, वो आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता, वो आपसे विवाद नहीं कर सकता। जो आप उसको खाद पानी बीज दोगे उसके अनुसार ही वो परफॉर्म करेगा। जिन कहता है, यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड का जिन कहता है, वो यूनिवर्सल पावर ये कहती है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यानी जो आपका एक्टिव माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, उसमें आप जो भी विचार सोचते हो, अब विचार कैसे आएंगे, जिन लोगों से आप मिलते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, जो बातें होती हैं, जो देखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, जो सुना जाता है, ये सारी चीज़ें बनाती हैं थॉट्स को, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड में चलते हैं। और उसी जिस तरीके के थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड में चलते रहेंगे, वैसे ही आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व बनेगा, और वो आपकी अनकॉन्शियस माइंड पे भी इफेक्ट करेगा। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है ये सारी चीज़ें तो, अदरवाइज आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं बहुत रफली बता देती हूँ, आसान शब्दों में आपको मैं बता देती हूँ कि यानी आप अपनी संगत को अच्छा रखिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा खाइए, हर चीज़ अच्छा, जैसी संगत वैसा रंगत। मैं अभी अराइना को वही चीज़ बोल रही थी कि क्योंकि मुझे आज किसी ने बोला, मेरे नेबर में कोई हैं, उन्होंने मुझे बोला कि वे बच्चे जब खेल रहे होते तो वहाँ पे कोई बच्चे हैं गालियाँ वालियाँ दे रहे होते हैं, और वही चीज़ मैं उससे पूछ रही थी कि क्या तुम लोग गाली देते हो, तो उस बात पर हमारी बहस भी हो गई थी। बट एनीवे मैं यही सिर्फ समझाना चाह रही थी उसको भी, या मैं सब भी बच्चों को मैसेज यही देना चाहती हूँ
कि आप अपनी अपनी जो फ्रेंडशिप है, जो फ्रेंड्स है, जो सर्कल है, उसको बहुत ही सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। हम भी जब छोटे थे हमको भी बड़ा गुस्सा आता था, अगर मुझे भी मेरे पापा बोलते थे कि नहीं उसके साथ नहीं खेलना, उस बच्चे के साथ उठना बैठना नहीं, बड़ा गुस्सा था। अच्छा मेरे दोस्त को ऐसा बोला, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। और आज मैं ये एक संयोग था कि मैं बुक पढ़ने बैठी तो बुक में भी आज ऐसी ही चीज आ गई। तो जो हमारे अनकॉन्सियस माइंड का जिन है उसको अगर आपको पावरफुल बनाना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, तो इन चीजों को हमने सीख लेना चाहिए। हमने भी सीखना, हम कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो गई, बट हाँ हमको ये पता है कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बस आज का वीडियो, आज का ब्लॉग इतना ही। मैं तो और पढ़ूंगी, खैर अभी मैं काफ़ी पढ़ूंगी, मैं थोड़ी देर एक दो मुझे ब्लॉग यूट्यूब पे एक दो वीडियोस भी देखने हैं, उसके बाद मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगी और साथ साथ मैं एडिटिंग भी करूंगी। आपसे अब मिलूंगी मैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियोज़ को शेयर लाइक करें कमेंट करें और हमारे साथ बने रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।